₹400 क्रेट बिका है जिसमें 28-29 किलो रहता है। कल से जो बाजार तेजी हो गया है थोड़ा क्योंकि लगन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जनंदन सब्जी वाला में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्य व्यवसाय में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज 17 नवंबर 2022 है, तो चलिए आज आप लोगों को जो है गोला डेली मार्केट का जो है सब्जियों का थोक भाव से जानकारी देता हूँ। तो चलिए फिलहाल अभी जो है मैं मार्केट में जो है टमाटर लेने के लिए आ चुका हूँ, तो चलिए अभी आप लोगों को टमाटर का रेट बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर गाड़ी लगा हुआ है पिकअप में, टमाटर का उधर भी देखिए टमाटर लगा हुआ है, और फिर देखिए उधर भी देखिए टमाटर लगा हुआ है। तो पारी पारी से हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पिकअप के ऊपर में चढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर टमाटर आया है। कल हम लोग को ₹370 मिला था टमाटर, आज थोड़ा सा रेट बढ़ सकता है क्योंकि लगन का टाइम शुरू हो गया है। टमाटर के अड्डा में हम लोग आ चुके हैं। देखिए टमाटर कितना सॉलिड है, रेड कलर में है, भयानक है। मंडी में अभी तक में सबसे अच्छा टमाटर यही वाला लगा है हमको, बाकी सबके साथ में छोटा छोटा कच्चा कच्चा नजर आता है, लेकिन देखिए रेड है पूरा। तो टमाटर के जो मालिक है हमारे चाचा जी हैं, शिशिर चा है, देखिए यही है। तो देखिए कहाँ से अंकल, कहाँ से आया टमाटर ही? छत्तीसगढ़। कहाँ से आया? छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ से आया भाई टमाटर? छत्तीसगढ़ से आया। चलिए बोनी करते हैं, चलिए अच्छा यहाँ से बोनी कीजिए। तो गली में ठीक किया है ये वाला, चलिए दूसरा लेते हैं। ये लगा हो गया आ गया है 16 में 500 साढ़े 500 रूपए ट्रे। हाँ देखिए उधर शंकर जी भी बोल रहे हैं 550 रूपए ट्रे हो गया है। एक प्लेट देखिए तो तीवरा ले जाते हैं। कैसे का मिला टमाटर वहाँ कैसे करे? 400 रूपये। तो देखिए दोस्तों आए, देखिए 450 रूपये हो गया है गोला डेली मार्केट में। आज का अपडेट ये है, कल था 350-370, लेकिन आज देखिए 450 रूपया। वाजिब रेट कैसे है? 450। देखिए दोस्तों 450 रूपये हो गया है आज। चलिए और किसी और के पास भी पूछेंगे, बहुत सारा आता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी एक लेते हैं। चलिए दोस्तों आज 17 नवंबर 2022 है, तो टमाटर का रेट बताता हूँ फिलहाल। भैया उमेश भैया टमाटर कैसे है? तो देखिए दोस्तों आज टमाटर हम लोग का 400 रूपये किलो बिका है, सॉरी 400 रूपये क्रेट बिका है जिसमें 28-29 किलो रहता है। कल से जो बाजार तेजी हो गया है थोड़ा क्योंकि लगन का टाइम थोड़ा शुरू हो गया, इसीलिए। तो चलिए एक क्रेट लेते हैं यहाँ से भी। भैया मेरा भेज दीजिएगा मेरा दुकान, और आप देख सकते हैं देखिए मार्केट हम लोग का लगने का तैयारी हो रहा है। अभी 8-9 बजे का पूरा भीड़ हो जाता है, अभी नहीं हुआ है, अभी ठंडा का टाइम आ गया, थोड़ा किसान लेट से आता है सब्जी उब्जी तोड़ के। तो फिलहाल देखिए मंडी, ये मंडी हम लोग का है। एक क्रेट वाला भेज दीजिएगा भैया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक क्रेट ले लिए हैं, 400 रूपये क्रेट यानी 16 रूपये किलो पड़ेगा। और देखिए इधर अदरक भी है, लोकल अदरक है, सब लोकल अदरक है। उधर देखिए इधर ऑल भी है, और हम लोग का मंडी भी देखिए इस तरह से कांटा लगता है, ठीक है। और अभी फिलहाल गोभी आया है, गोभी वाला भैया से पूछते हैं गोभी कैसे भैया? 25 रूपये किलो गोभी बोल रहे हैं, क्योंकि कल सही बाजार बाद में तेजी हो गया था। कल शुरू में 20 रूपये किलो बिका था, उसके बाद 22-23-24-25 रूपया हो गया था, इसीलिए जो अभी 25 बोला जा रहा है। चलिए बाद में बताता हूँ बाजार कैसे खुलता है, इसमें है ना, है कि नहीं, बोलिए आप लोग, है ना। बाद में 25 हुआ था ना भैया, कल बाद में 25 हो गया था फूल गोभी। कमेंट पढ़ लें, हाँ रानी है ना। तो देखिए दोस्तों कल जो है 20 रूपये बिका था फूल गोभी, तो बाद में 25 हो गया था, तो फिर क्या अभी कम रेट बोलेगा? सही बोल रहा है किसान, इतना मेहनत सूख जाता है, ठंडा के दिन में हाथ कपने लगता है पूरा, क्या भैया? देखिए 25 रूपये किलो, ठीक है, आज 22 रूपये लगभग बिकेगा ही, कोई चांस नहीं है कम बिकने का। चलिए चलते हैं अभी। तो दोस्तों आज बाजार जो है बाद में तेजी हो गया था, सुबह में जो है सुबह में बाजार 20-22 रूपये किलो फूलगोभी उठा था, बाद में देखिए 25 रूपये किलो हमको लेना पड़ा आज, क्योंकि हम नया आलू के खरीदने के लिए चल गए हैं। आज नया आलू जो है आपका 28 रूपये किलो बिका है दोस्तों। देखिए इस साइज का आलू है, और ये देखिए मेरी माँ है अभी, ताकि मैं भी इधर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मेरी माँ भी बेच रही है।
चलिए आज आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या चीज बिका है। देखिए टमाटर 17 रुपए किलो बिका है, यानी 430 रुपए क्रेट बिका है। उसके बाद जो है नया आलू 28 रुपए के लिए जो LT है ये भी 28 बिका है आपका। और ये जो लोग गोल साइज का है ये भी 28 रुपए किलो बिका है। उसके बाद देखिए सुबह में फूलगोभी जो 22 रुपए किलो बिका है, लेकिन बाद में 25 रुपए किलो फूलगोभी हो गया। उसके बाद जो है पालक साग भी आपका आज 18 और 20 रुपए किलो बिका है, और 7 रुपए किलो 6 रुपए किलो सरसों साग बिका है। और सीमी देख सकते हैं आप, वहाँ पर सीमी है, सीमी 48-50 रुपए किलो बिका है। मिर्चा देख सकते हैं, हरा वाला मिर्चा जो है वह 35-40 रुपए किलो बिका है। उसके बाद बीन्स का बात करें तो बीन्स जो है 28-30 रुपए किलो ही बिका है। और धनिया पत्ता का बात करें, धनिया पत्ता जो है 60 रुपए किलो 55 रुपए किलो जमा बिका है दोस्तों। और ये मूली कैसे बिका है? और मूली जो है आपका 7, 8 और 10 रुपए किलो भी बिका है अभी। तो लगन का टाइम आने वाला है, इसलिए जो है महंगाई बढ़ रहा है फिर से। तो और देखिए फिलहाल अभी हम जो है एक बोरा लहसुन लिए हैं 32 रुपए किलो। तो देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग बम नहीं बोलेंगे, जब फूल बोलेंगे इसको, फूल बोलते हैं ये साइज को। और इससे जो बड़ा बड़ा वाला साइज आता है उसको हम लोग बम बोलते हैं। और देखिए हम भी दो बोरा नया आलू भी लिए हैं, 28 रुपए किलो लिए हैं, देखते हैं शाम तक बेच सकते हैं कि नहीं। तो और प्याज 21 रुपए किलो बोरा में बिका है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों प्याज 21 रुपए किलो है। तो मेरा दुकान में तो पत्ता गोभी नहीं आज है, देखिए यहाँ पर पत्ता गोभी है, ये 20-22 रुपए किलो बिका था आज। और बैगन भी इनका भी दुकान में नहीं है, भाभी का दुकान है ये वाला। बैगन भी जो है आज काटा बैगन जो आपका हुआ 27 रुपए किलो 30 रुपए किलो बिका है काटा बैगन। तो हम लोग का मंडी का सबसे बड़ा दुकान देखिए ये वाला इधर है, जो चामूचा का दुकान है, सबसे बड़ा दुकान हम लोग का मंडी का यही वाला है। सब सब्जी यहाँ पर मिलता है, बैगन भी है, बैगन 35 रुपए किलो खुदरा बिकता है, 28 रुपए 30 रुपए किलो जमा बिका है दोस्तों। तो पत्ता गोभी कैसे बेचे चाची? कैसे 30? देखिए दोस्तों 22 रुपए 25 रुपए किलो खरीदा गया पत्ता गोभी, 30 बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि 22 रुपए खरीदेंगे तो 50 ग्राम 100 ग्राम का पैसा नहीं मिलता है हम लोग को। ग्राहक अधिक ले लेता है थोड़ा, क्या 100 ग्राम का पैसा देगा? और वही वाला खसी का मीट लेगा तो 100 ग्राम का भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन हम लोग का सब्जी बेचने वाला का कोई वैल्यू नहीं है, 100 ग्राम का कोई पैसा नहीं देता है हम लोग। तो उधर भी देख सकते हैं बड़ा दुकान लगा, पूरा खुदरा दुकान है, देखिए मंडी कितना अच्छा लगा है पूरा। तो कभी आइए गोला मार्केट भी खरीदारी करने के लिए। और ये देखिए अरुण चाका हम लोग का है, यहाँ पर नाश्ता पानी सब करता है, व्यापारी लोग भी किसान लोग भी। अच्छा फ्रेश क्वालिटी में हाइजेनिक तरीके से बनाया जाता है पूरा, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब फिलहाल हम लोग का मार्केट उठ चुका है, देखिए किसान सब चला गया घर अपना। और अभी देखिए कपड़ा दुकान भी इधर खुलेगा, देखिए साइड साइड में सब्जी का दुकान भी लगेगा। देखिए दोस्तों कटारी यानी गन्ना बेचने के लिए, शुगर कैन बेचने के लिए भी आया है रिक्शा में, आप देख सकते हैं। और देखिए उधर माल सब लोडिंग हो रहा है दोस्तों, जाएगा उधर, उधर अपना दुकान हम लगाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, आज आप मैं अपना रेट बता चुका हूँ सब्जी गोला मार्केट में कैसे कैसे बिका है। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना सोच समझ कर खरीदारी करें सब्जियों का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हमको अभी अपना दुकान जो है दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, फिलहाल देखिए मेरी मम्मी यहाँ पर है। चलिए ब्लॉग को यहीं पर आज अंत करते हैं, विदाई लेते हैं आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, जय जोहार झारखंड।